जी अज़ीज़ बहन भाइयों दोस्तों साथियों गुड मॉर्निंग आज के लिए खुदा का कलाम इमसाल की किताब उसका दसवां बाब और बारहवीं आयत अदावत झगड़े पैदा करती है लेकिन मोहब्बत सब ख़ताओं को ढांक देती है इमसाल दसवाँ बाब बारहवीं आयत दावत यानी गुस्सा दुश्मनी बुगस ये सब एक दूसरे की मुखालफत ये सब झगड़े पैदा करती है ये एक दूसरे के दिल में नफ़रत पैदा करती है नीचा दिखाने की कोशिश करती है लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांग देती है बर्दाश्त करती है सब्र करती है मोहब्बत गालिब आ जाती है दूसरे को उसका हक देने पर मजबूर कर देती है कताओं को ढांप देती है बर्दाश्त कर देती है। तो बड़ों का काम है कि वो छोटों को समझाएँ नौजवानों को समझाएँ कि अदावत की बजाय मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत साबिर है खुदा चाहता है कि ईमानदार एक दूसरे से मोहब्बत रखें एक दूसरे की बर्दाश्त करें यही गवाही है खुदांद हमें बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे थैंक यू